हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल सलमा स्टाइल्स। और अभी बज रहे हैं 12 और हम लोग जा रहे हैं वॉल फोर्ट की तरफ देखने के लिए सब अपार्टमेंट्स। तो आपको भी दिखाऊंगी कि रायपुर में हर कोई वॉल फोर्ट बोल रहा है। तो हमको एक थोड़ा सा टाइम मिला है ऑफिस के स्केड्यूल से, तो हम लोग जा रहे हैं वॉल फोर्ट देखने के लिए। रास्ता भी देख रहे हैं गूगल मैप्स। ओपन नहीं होते क्या? लेकिन ये तो अपने कराया हुआ है, ये सब तो सर ये मॉडल फ्लैट था हमारा एक्चुअली। वो मॉडल फ्लैट को मैंने इस करके रखा था है। अच्छा, ये सब फ्लैट फर्निशिंग वगैरह जो किए थे सब हटा दी। ये एक रूम है, और अभी हम एक सैम्पल फ्लैट देख रहे हैं जो पसंद तो काफ़ी आया, काफ़ी बड़ा भी था साइज़ में। तो बस वही एक बार देख रहे हैं कि कैसा, मतलब एक आइडिया मिल जाएगा कि घर कैसा होना चाहिए। फिटिंग्स लेंगे, इसकी फिटिंग्स लगा के लेते हैं। फिटिंग्स तो लेंगे सर, फिटिंग इन सेंस वो ग्लास वाला, हाँ जो ग्लास का जो डिविजन है वो सब नहीं इसका किचन किधर है? ये वॉशिंग एरिया है इधर, और ऐसे ही स्लैब व्लैब करके कटा हुआ रहेगा नीटली, और ये एकदम रॉ रहेगा रहेगा। इसमें खिड़की नहीं रहेगी, उसके लिए छोड़ा हुआ। अच्छा चलिए देख लेते हैं एक बार, फ्लैट तब समझ में आ जाएगा। ये पैंट्री टाइप में बना हुआ है, कितना बड़ा है इसे मुझे देखना। अच्छा काफी है, ये भी है स्टोरेज, ये आप लोगों ने खुद से कर रखा है। ऐसा ही रहेगा फ्लैट वहाँ का, और डायरेक्शन चेंज होगा। और अब सैंपल फ्लैट देखने के बाद हम जा रहे हैं एक रेडी टू मूव इन फ्लैट देखने के लिए, जिसका स्क्वायर फीट एरिया है 2100 और 10th फ्लोर पे था ये फ्लैट।
डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन ये है फॉयर, और ये मेरे कितना ऊपर बनेगा? ये बी प्लस 13 रहेगा सर। ये लास्ट ब्लॉक है हमारा, यहाँ पर बी आएगा, जी एच कॉर्नर बी एच सी रहेगा, लास्ट वाला आई ब्लॉक रहेगा। आई ब्लॉक के बाद सर वहाँ से उस रो में जे ये है डाइनिंग एरिया, डाइनिंग यहाँ पे छोटा सा दे रखा है। ये है किचन जो काफ़ी रोशनी है। ये है पैंट्री एरिया, इसमें स्टोरेज है। ये रेफ्रिजरेशन के लिए ये दो स्लैब्स हैं, और ये है यूटिलिटी। इसमें दूसरा रूम, ये वहाँ पे ड्रेसिंग एरिया, टॉयलेट, ये ड्रेसिंग एरिया इधर, और ये है हाफ बास्केटबॉल कोर्ट जो यहाँ पर बनाया गया है जिस अपार्टमेंट के अंदर ही, तो ये खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये है यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पर है किड्स प्ले एरिया। ये फेज़ टू की कंस्ट्रक्शन है, ये फेज़ वन है और ये 4 BHK, और जो हम देख के हैं फ्लैट वो इसके पीछे है, इसके पीछे। इंटरनल बैठने की सिटिंग एरिया, और वहाँ पे है बच्चों का प्ले एरिया, ये है
जिम एरिया जाने का रास्ता, ये है स्विमिंग एरिया। अच्छा ये आज और कर रहे हैं जिम एरिया। पार्टी करते हैं तो उसके लिए ये है किचन एरिया, कॉमन किचन एरिया। और यहाँ पर है अंदर का पार्टी हॉल। ऐसे दिखाऊंगी तो आपको जगह का अंदाज़ा हो जाएगा। और ये है वही एग्ज़िट। और यहाँ है जिम वॉट एरिया। एवरीथिंग इज फंक्शनल ऑपरेशनल। स्विमिंग पूल यहाँ पर है, बैडमिंटन कोर्ट जो काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। टेबल टेनिस पर टेबल टेनिस और डार्ट्स। ये काफी बड़ा है। ये है मिनी थिएटर। और यहाँ से हम जा रहे हैं थिएटर के पास, जहाँ पे एक मतलब आप प्राइवेट मूवी को देखना है फैमिली के साथ तो आप ये आराम से देख सकते हैं। 30-35 सीटर टाइप है, तो ये कॉन्सेप्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम फैमिली वीडियोस प्ले करने के लिए एक थिएटर जैसा फील कर सकते हैं। और अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सलमा स्टाइल्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल सलमा स्टाइल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।